गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्संस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी किस प्रकार से हम जो यंग पर्सन है यानी नव युवक है उनको फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उनकी वर्किंग से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, ये हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फैक्ट्रीज एक्ट में जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस थे, सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजंस, लेबर वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट से रिलेटेड प्रोविजंस, उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जो यंग पर्सन है उनको फैक्ट्री में किस प्रकार एम्प्लॉय कर सके और उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजन है। अब देखिए, इन प्रोविजंस को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यंग पर्सन हम किसे कहते हैं। यंग पर्सन को हिंदी में नव युवक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यंग पर्सन का मतलब क्या है, जो या तो चाइल्ड है और या एडल्सेंट है, यानी या तो बच्चा है, बालक, या फिर किशोर में से कोई भी है, तो उन्हें हम यंग पर्सन के नाम से जानते हैं, यानी जिन्होंने अपनी आयु के 18 ईयर्स, अपनी एज के 18 साल पूरे नहीं किए हैं, उसे हम यंग पर्सन के नाम से जानते हैं। जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं उसे हम अडल्ट के नाम से जानते हैं, वयस्क के नाम से। अब देखिए, जो 18 ईयर्स से जो कम है उसमें जो चाइल्ड है, बालक, वह भी आ जाते हैं, और जो अडल्सेंट है, किशोर, वो भी काउंट होते हैं। अब चाइल्ड किसे कहते हैं, चाइल्ड का मतलब जिसने अभी 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, जिसका आयु 15 साल नहीं हुआ है, उसे हम बालक या चाइल्ड के नाम से जानेंगे। और जिसने 15 ईयर्स 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 18 साल पूरे नहीं हुए हैं, इस प्रकार के जो बच्चे को हम किशोर के नाम से जानते हैं, किशोर यानी अडल्सेंट। अब देखिए, यहाँ पर जो यंग पर्संस की बात हो रही है वो या तो क्या है, चाइल्ड है या फिर अडल्सेंट है, तो उनको हम फैक्ट्री में किस प्रकार एम्प्लॉय कर सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का और समझते हैं कि यंग पर्संस के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। तो फर्स्ट इसमें 11 प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, और ये प्रोविजंस है ये फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 67 से लेकर 77 तक डिफाइन किए गए। अब फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। देखिए, जो यंग चिल्ड्रन की बात हो रही है उनको फैक्ट्री के अंदर आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, प्रोहिबिशन है, बैन है। यंग चिल्ड्रन का मतलब जिसका आयु, यानी जिसने अभी 14 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, 14 साल जिसने पूरे नहीं किए हैं, इस प्रकार के बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करने की ना तो अनुमति दे सकते हैं और ना ही काम करवा सकते हैं। और ये बात भी ध्यान रखना है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में भी आप 14 इयर्स से कम एज के किसी भी बालक से, किसी भी चाइल्ड से वर्क नहीं करा सकते हैं। यानी 14 इयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम करने के योग्य नहीं होते हैं, और उन्हें ना ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है और ना ही काम करने दिया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 14 इयर्स तो होने ही चाहिए यदि किसी को फैक्ट्री में कार्य करना है। नेक्स्ट है अब देखिए, जो हमने फर्स्ट पॉइंट्स की बात की थी, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, यहां पर ये इंश्योर करना कि जो चाइल्ड काम कर रहा है वो खुद तो स्टेटमेंट दे रहा है, खुद ये कह रहा है कि मैं 15 इयर्स का हूँ या मैंने 14 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस बात को वेरीफाई करने का जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है,
वो इम्प्लॉयर की है, वो केवल बच्चे के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं करें, बल्कि जो फैक्ट है उसको चेक करें कि एक्चुअल में जो चाइल्ड है उसका एज कितना है, ठीक है ना। ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इम्प्लॉयर का है। यदि कोई भी इम्प्लॉयर 14 ईयर्स से कम ईयर्स के एज के बच्चे को काम करा रहा है या उधर इम्प्लॉयमेंट करवाते समय जो यदि पता चलता है गवर्नमेंट को, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी एक प्रकार से वो चाइल्ड लेबर है, ठीक है ना। 14 ईयर से कम एज के यदि आप बच्चे से काम कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में काउंट होता है, ये पूर्ण रूप से बैन है। ऐसे में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लीगल प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, वो की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन अडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन। अब देखिए, कोई भी जो हम अडल्ट वर्कर की बात, नॉन अडल्ट वर्कर है, नॉन अडल्ट वर्कर का मतलब यहाँ पर जो 18 ईयर से कम के एज के हैं, ठीक है ना। देखिए 14 ईयर से कम एज का तो काम नहीं कर सकता, 14 ईयर से ज्यादा एज है तो वो काम कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही जो 18 साल से कम का है, तो वो किस प्रकार से काम करेंगे। तो 18 ईयर से या जो नॉन अडल्ट वर्कर है जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए, इस प्रकार के वर्कर यदि काम करते हैं तो उनको काम करने के लिए जो एक टोकन की जरूरत होगी, और टोकन है वो इंप्लॉयर के द्वारा उन्हें दिया जाएगा, और ये टोकन इस बात का प्रमाण है कि वो काम करने में वो काम कर सकते हैं अडल्ट वर्कर्स की तरह। जो एक जो टोकन दिया जाता है नॉन अडल्ट वर्कर को फैक्ट्री में काम करने के लिए, ये टोकन जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के आधार पर इम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया जाता है, और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो एक सर्टिफाइड सर्जन के द्वारा जो नॉन अडल्ट वर्कर है या यंग पर्सन है उसके रिक्वेस्ट पर, एप्लीकेशंस पर, या उसके गार्जियन के एप्लीकेशन पर जो डॉक्टर है सर्जन वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है, और ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो फैक्ट्री जो इम्प्लॉयर है, फैक्ट्री का मालिक है, उसके पास सबमिट करवाना पड़ता है। उसके बाद जो फैक्ट्री ओनर है या जो इम्प्लॉयर है वो एक फिटनेस एक टोकन जारी करता है, उसी के आधार पर जो यंग पर्सन है वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। यानी ये ध्यान रखना है कि जब भी यंग पर्सन काम करे उनके साथ वह टोकन हो, और जब टोकन जारी किया जाता है तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट है जो इस बात का प्रमाण है कि जो यंग पर्सन है वह एक अडल्ट वर्कर की तरह फैक्ट्री के अंदर काम कर सकता है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो इम्प्लॉयर है उसके द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, और उसके बदले जो टोकन है फैक्ट्री में काम करने के लिए वो जारी कर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अब देखिए, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक सर्टिफाइड जो सर्जन है उसके द्वारा जो यंग पर्सन है उसके एप्लीकेशन या उसके गार्जियन के एप्लीकेशन पर इशू किया जाता है, और इसके साथ जब भी देखिए जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उस एप्लीकेशन के साथ एक ऐसा जो सर्टिफिकेट भी अटैच करना है जो इम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा कि जो भी यंग पर्सन है वो फैक्ट्री में पर्टिकुलर प्लेस पर काम करने के लिए योग्य है, यदि उसे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो फैक्ट्री ओनर है या इम्प्लॉयर है वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा यंग पर्सन को, और उसके बाद जो एप्लीकेशन जो है अप्लाई करेंगे फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसके साथ वो अटैच करना जरूरी है, तभी जो सर्टिफाइड सर्जन है डॉक्टर है वो उन्हें
जो अपना जो भी है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे और उस फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर यंग पर्सन इम्प्लॉयर के पास जाकर जो है वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू एडोलेसेंट। देखिए जब एक एडोलेसेंट यानी जिसने 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं यदि उस व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस या फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइड सर्जन के द्वारा इश्यू कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें देखना है कि जो एडोलेसेंट है जो किशोर है उसके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा कि एक अडल्ट वर्कर के साथ किया जाता है और वह एकदम अडल्ट वर्कर्स की तरह फैक्ट्री में काम कर सकता है। एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू एडोलेसेंट। यदि किसी फीमेल एडोलेसेंट या मेल एडोलेसेंट जिसने अभी जो 17 इयर्स है वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस प्रकार के जो मेल या फीमेल एडोलेसेंट वर्कर को फैक्ट्री के अंदर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे की अवधि के बीच में काम करवा सकते हैं। इसके अलावा यानी रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक की अवधि के बीच काम। और जिस एडोलेसेंट वर्कर को यदि फिटनेस सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इश्यू नहीं किया जाता है इस प्रकार के जो एडोलेसेंट को या यंग पर्सन को हम चाइल्ड ही मानेंगे, ठीक है ना, तो केवल वही व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस हो और जिसका जो एक कॉम्पिटेंट हो यानी फिट हो काम करने के लिए। और फिट है या नहीं है इस बात का किस प्रकार से हम सर्टिफाई करेंगे, प्रमाणित करेंगे, वो उसके फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर। नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, यानी जो बालकों के लिए कार्य के घंटे जो चिल्ड्रन है वो कितने टाइम फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो इसके संबंध में है नो चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 4.5 आवर्स इन ए डे। यानी किसी भी दिन कोई बालक है या चाइल्ड है वो फैक्ट्री में 4.5 आवर 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, और ना ही रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच की अवधि में काम कर सकता है। इसके अलावा एक और प्रोविजंस है जिस दिन उसने किसी फैक्ट्री में काम किया है उसी दिन वह दूसरी फैक्ट्री में सेम डे दो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे जिसने 4.5 घंटे एक फैक्ट्री में काम कर लिया अब वह दूसरी फैक्ट्री में जाके 4.5 घंटे एडिशनल काम नहीं कर सकता है, केवल एक फैक्ट्री में ही इम्प्लॉयमेंट और वो भी अप टू द लिमिट ऑफ 4.5 आवर्स तक कार्य करने की इजाजत है। इसके अलावा जो फीमेल चाइल्ड है वो फैक्ट्री के अंदर सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे की अवधि में ही काम कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे यानी 8 AM टू 7 PM के जो बीच का पीरियड है उसमें वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा और ना ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद 6 नंबर है पॉइंट नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन, यानी जो बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक उनके जो वर्किंग पीरियड है, वर्क पीरियड है, उसके लिए सूचना जो है उसको नोटिस बोर्ड पर है मेंशन करना है कि जो एम्प्लॉयर है फैक्ट्री का ओनर है
उसको नोटिस बोर्ड पर ये जो है इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करना है कि किस टाइम पर जो चाइल्ड वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं या यंग पर्सन है वो फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए, ठीक है ना, और कब उनका एंट्री टाइम होगा, कब एग्जिट टाइम है, ये सब ये जानकारी जो फैक्ट्री एम्प्लॉयर के द्वारा है नोटिस बोर्ड पर जो है डिस्प्ले करना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो अडल्ट वर्कर्स के बारे में पढ़ा था वैसा ही प्रोविजंस इसमें है कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम करेंगे उनका एक रजिस्टर रखा जाएगा सेपरेटली और उस रजिस्टर में उन सभी वर्कर्स चाइल्ड वर्कर का नाम लिखेंगे, वो किस टाइम पर काम कर रहे हैं, किस नेचर का काम कर रहे हैं, किस ग्रुप में काम कर रहे हैं और उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है, ये सभी जानकारी जो रजिस्टर में लिखी जाएगी उसके बाद ही चाइल्ड वर्कर फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। बिना रजिस्टर में एंट्री किए हुए कोई भी चाइल्ड वर्कर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, ना ही उसे काम करने की इजाजत दी जा सकती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट आवर्स ऑफ वर्क टू कोरेस्पॉन्ड विद नोटिस एंड रजिस्टर। देखिए जो फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड वर्कर काम करेंगे वो केवल उसी ड्यूरेशन में काम कर सकते हैं जो ड्यूरेशन नोटिस बोर्ड पर दी गई है या जो ड्यूरेशन उनके चाइल्ड लेबर के जो रजिस्टर है, ठीक है, चाइल्ड का जो रजिस्टर है या यंग पर्सन के लिए जो रजिस्टर प्रिपेयर किया गया उन रजिस्टर में जो टाइम मेंशन किया गया केवल उसी समय काम करवा सकते हैं। ये प्रोविजन क्यों किया गया है, ये बच्चों को या यंग पर्सन है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, क्योंकि यदि ये ऐसा प्रोविजन नहीं होता तो जो यंग पर्सन है या चाइल्ड है उनसे लंबी अवधि तक भी काम करवा सकते थे, परंतु इस प्रोविजन के कारण ये एक लिमिटेशन जो है डिटरमाइन करती है एम्प्लॉयर के लिए कि केवल जो रजिस्टर में टाइम दिया गया है नोटिस बोर्ड पर जो टाइम दिया गया है केवल उसी समय आप चाइल्ड वर्कर है उनसे काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है यदि उसको एप्रोप्रिएट लगे तो वह किसी भी चाइल्ड वर्कर या यंग पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। ये एग्जामिनेशन किसी का भी हो सकता है जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो या जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हो, ठीक है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि एक जो वर्कर है उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है बट वह व्यक्ति काम करने में जो है योग्य नहीं दिख रहा है, यानी सक्षम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति वीक है, काम नहीं कर सकता, तो इस प्रकार के डाउटफुल वर्कर का भी मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वो करवा सकता है। और इसके लिए जो फैक्ट्री का एम्प्लॉयर है उसे जो उसको ऑर्डर दे सकता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ठीक है ना। फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक्चुअली ये गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है और उसके पास राइट है जहां पर भी उसको लगे कि कोई जो यंग पर्सन काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वह उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो फिर वह उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है उसके फिटनेस को चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। देखिए जो गवर्नमेंट है वो इनके ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रोविजंस भी बना सकती है, रूल्स बना सकती है यंग पर्सन के एम्प्लॉयमेंट से के रिलेटेड। नेक्स्ट है अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट बार्ड। देखिए एक एक्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, उसमें भी चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 1938 उसको ओवरलैप नहीं करते, ओवरराइड नहीं करते, ठीक है ना, ये एक प्रकार से एडिशनल है, ठीक।
वो तो लागू होंगे लेकिन इनको भी एडिशनली लागू करना है। तो इस प्रकार से ये एम्प्लॉयमेंट, यंग पर्सन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसमें 11 पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोहिबिशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, सेकंड नॉन अडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन, यानी जो भी यंग पर्सन होंगे या नॉन अडल्ट वर्कर है उन्हें टोकन लेना पड़ेगा जब भी वो काम करे। और ये टोकन है, ये फैक्ट्री एम्प्लॉयर है या ओनर है उसके द्वारा जारी किया जाता है, और ये फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर मिलता है टोकन। फिटनेस सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? ये सर्टिफाइड सर्जन जारी करता है, और किसके रिक्वेस्ट पर? नॉन अडल्ट वर्कर के रिक्वेस्ट पर। फिर इफेक्ट क्या होता है? यदि जिस व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है वह अडल्ट वर्कर की तरह फैक्ट्री में काम कर सकता है, जिसको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता उसे हम चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। फिर वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट, अधिकतम 4.5 घंटा जो वर्कर है चाइल्ड वर्कर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नोटिस पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन, और किस अवधि में जो चाइल्ड वर्कर है फैक्ट्री में काम करेंगे इस बात की सूचना नोटिस बोर्ड पर होनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर, और जो भी चाइल्ड वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसमें उनका नाम, नेचर ऑफ जॉब और किस ग्रुप में काम कर रहे हैं, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर कितना है, ये सब लिखना। फिर है आवर्स ऑफ वर्क टू कोरेस्पॉन्ड विद नोटिस और रजिस्टर, जो चाइल्ड वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में वो मैच करना चाहिए, जो जिस समय काम कर रहे हैं वो समय रजिस्टर और नोटिस बोर्ड के अनुसार होना चाहिए। फिर है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वो किसी भी वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है, करवाने का आदेश फैक्ट्री मालिक को दे सकता है। यदि उसे डाउट होता है किसी व्यक्ति के योग्यता के बारे में कि पर्टिकुलर व्यक्ति है काम करने में सक्षम नहीं है, इसके बावजूद काम कराया जा रहा है, तो फिर उसको फिटनेस को क्रॉस वेरीफाई या चेक करने के लिए ये एग्जामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं इसके अलावा भी कोई रूल बना सकते हैं। और लास्ट है अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नोट बाय, और ये प्रोविजंस जो हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, इन प्रोविजन के कारण कोई जो दूसरे प्रोविजन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड उनको हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, ये एडिशनल प्रोविजंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।